हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप देख सकते हैं हमारे सामने खड़ी है टाटा हैरियर रेड डार्क एडिशन। ये गाड़ी रिसेंटली लॉन्च हुई है और लॉन्च होते ही इसने धूम मचा दी है, क्योंकि इसमें आपको एकदम ब्यूटीफुल रेड नया इंटीरियर देखने को मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में इस कार का कंप्लीट प्राइस, स्पेसिफिकेशन, क्या क्या फीचर्स आपको इसमें नॉर्मल हैरियर से ऑफर किए जाते हैं, वो इसमें हम कवर करने वाले हैं। ये कार आपको टोटल 3 वेरिएंट्स में अवेलेबल होगी, XZ प्लस, XZ A प्लस और XZ A प्लस ऑप्शनल। प्राइस स्टार्ट होती है 26.74 लाख ऑन रोड से लेकर 29.52 लाख ऑन रोड तक। इसमें आपको सिंगल इंजन देखने को मिलेगा, जो कि है 2 लीटर का टर्बोचार्ज 4 सिलेंडर इंजन, जिसमें आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। माइलेज की बात करी जाए तो 14.6 से लेकर 16.35 KMPL का माइलेज आपको ये कार देने वाली है। पावर एंड टॉर्क फिगर इस कार के बहुत ही बेहतरीन है, जो कि 167 BHP की पावर और 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क ये कार आपको देने वाली है। फिलहाल जो आपके सामने वेरिएंट खड़ा है वो है XZ प्लस, जिसकी प्राइस पड़ने वाली है 26.74 लाख ऑन रोड। फ्रंट लुक पे अगर नजर करी जाए तो आप सामने देख सकते हैं जो टाटा का लोगो पहले क्रोम में आता था, उसको पूरा डीक्रोम कर दिया गया और पूरा ब्लैक कर दिया गया है। वही साथ में आपकी सिग्नेचर ग्रिल जो टाटा की है, प्लस नीचे आप देख सकते हैं 360 डिग्री कैमरा की प्लेसमेंट इसमें दी गई है, और साइड में आप देख पाएंगे रेड एसेंट इसमें प्रोवाइड किया है, जो कि ब्लड रेड है। जो इसका टॉप मोस्ट वेरिएंट है XZ A प्लस ऑप्शनल, जो आपको 29.5 लाख का पड़ने वाला है, उसमें आपको एडास जैसे फीचर्स भी आपको देखने को मिल जाएंगी। वहीं नीचे देखेंगे तो आपको 205 mm की मैसिव ग्राउंड क्लियरेंस इस कार में देखने को मिलती है। प्लस आप चौड़ाई देख रहे हो, इस कार की जो चौड़ाई है ना, काफी चौड़ी है, 1894 mm की इस कार की विड्थ है, जो कि इसके रोड प्रेजेंस को एकदम से बढ़ा देती है। इस कार के साथ आपको कुछ इस तरह की की फॉब देखने को मिलेगी, 2 स्मार्ट कीज जिसमें लॉक, अनलॉक, फॉलो मी हेडलैम्प और बूट ओपन का बटन दिया गया है। पीछे टाटा का लोगो और दोनों स्मार्ट है और काफी बढ़िया लग रही है। चलिए बात करते हैं इसके लाइट सेटअप की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको LED इंडिकेटर्स प्लस DRL, जो कि बहुत अच्छे लग रहे हैं, कुछ इस तरह का सेटअप आपको इसमें देखने को मिलेगा, जैसे कि कोई लाइटनिंग हो। वहीं नीचे आपको हेडलैम्प्स का सेटअप, नीचे फॉग लैम्प का सेटअप देखने को मिल जाएगा, जो कि हाई बीम में आपको हैलोजन दिया हुआ है और वहीं लो बीम में आपको प्रोजेक्टर देखने को मिल जाएगा। थोड़ा नीचे जाएंगे तो आपको फॉग लैम्प प्लस जो कि हाउसिंग है, उसकी मैट ब्लैक फिनिश में हाउसिंग दी गई है और नीचे का बम्पर भी आपको पूरा मैट ब्लैक में दिया हुआ है दोस्तों। वहीं आप सामने अगर बोनेट पे देखेंगे तो इस बोनेट पे बॉडी लाइन क्रीचेस काफी अच्छे से दिए गए हैं, जो कि इसके लुक्स को इनहांस कर देते हैं। ये XZ प्लस वेरियंट है, इसीलिए इसमें आपको कोई भी एडास वाला फीचर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आप सामने देख पाएंगे विंडस्क्रीन पे ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर आपको इसमें ऑफर किए जाते हैं। साइड प्रोफाइल से कार आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी, पूरी ब्लैक्ड आउट है, काफी लंबी कार है, 4598 mm की इसकी पूरी लेंथ हो जाती है। 2741 mm का व्हील बेस बना दिया गया है, जिसकी वजह से बहुत लेगरूम अंदर आपको देखने को मिलता है। वहीं हाइट की बात करी जाए तो 1706 mm इसकी हाइट दी गई है दोस्तों। अगर आप साइड से देखोगे तो आपको इसमें व्हील आर्चेस काफी पतले पतले देखने को मिलेंगे, लेकिन जो ट्रेवल गैप है वो काफी ज्यादा है, मतलब अगर आप चाहो तो टायर्स इसमें अपग्रेड कर सकते हो। फिलहाल आपको इसमें डायमंड कट अलॉय देखने को मिल जाएंगे, फ्रंट में डिस्क है, कैलिपर को रेड कर दिया गया है, अपोलो के टायर्स, साइज है 235/60R18, 18 इंच के टायर आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। तो कुछ इस तरह से आपको इसकी साइड प्रोफाइल देखने को मिलने वाली है। फ्रंट सस्पेंशन आप देख लीजिए कुछ इस तरह का है। वहीं साइड में देखेंगे तो आपको रेड डार्क की बैजिंग यहाँ ऑफर करी गई है। ORVMs आप देख लीजिए, इंडिकेटर्स उसी पे इंटीग्रेटेड है, प्लस 360 डिग्री कैमरे की प्लेसमेंट, बॉडी कलर डोर हैंडल्स विद रिक्वेस्ट सेंसर और को पैसेंजर साइड। साइड प्रोफाइल आप देख लीजिए कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी, प्लस कोई भी क्रोम आपका विंडो लाइन पे यूज नहीं किया गया है, बिल्कुल डी क्रोम कर दिया गया है। बी पिलर आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में इसमें देखने को मिलेगा, क्वार्टर पैनल थोड़ा सा छोटा कर दिया गया है, लेकिन ठीक है, चलता है। रियर प्रोफाइल से कार आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी, फिर आप देख सकते हैं कि पीछे भी आपको टाटा का पूरा लोगो ब्लैक कर दिया गया है। वहीं पीठ नीचे आप हैरियर की ब्रांडिंग देख पाएंगे। पार्किंग सेंसर्स की बात करी जाए तो आपको इसमें 2 पार्किंग सेंसर्स देखने को मिलेंगे, ये अंडरबॉडी, स्पेयर टायर आपका नीचे लटका रखा है और स्पेयर टायर का साइज है आपका 235/70R16। 360 डिग्री कैमरे की प्लेसमेंट आप देख पाएंगे। वहीं पे साथ में आपको रियर वाइपर, डिफॉगर, हाई स्टॉप माउंट लैंप और शार्क फिन एंटीना देखने को मिल जाएगा। थोड़ा और ऊपर जाते हैं तो आपको यहाँ पे पैनारोमिक सनरूफ भी देखने को मिल जाएगी। टेल लाइट की बात करी जाए तो कुछ इस तरह से टेल लाइट ऑफर करी गई है, कनेक्टिंग टेल लाइट्स इसमें नहीं है, ये पूरा ब्लैकआउट कर दिया गया है पीछे का क्रोम, और कुछ इस तरह से आपको हैलोजन में ये लाइट देखने को मिलेगी, ये स्ट्रिप आप देख सकते हैं। वहीं आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको इसमें ब्रेक लाइट्स, प्लस थोड़ा नीचे जाएंगे तो आपको ये रिफ्लेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे। चलिए बूट स्पेस खोल लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 LED लाइट नंबर प्लेट को इल्यूमिनेट करने के लिए ऑफर करी गई हैं।
बूट स्पेस आप खोलेंगे तो कुछ इस तरह से आपको 425 लीटर का बूट स्पेस आपको इस कार में ऑफर किया जाता है। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, सबवूफर की प्लेसमेंट JBL के है। आप देख सकते हैं एकदम फ्लैट बेड है जिससे सामान रखना और निकालना बहुत आसान हो जाएगा, बिल्कुल भी हम्प आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा। टूल्स प्लस टायर मोबिलिटी किट यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आप छोटा मोटा सामान रख पाएंगे। अंडरबॉडी आप देख सकते हैं, स्पेयर टायर आपको स्टील रिम में दिए गए हैं, प्लस आप रियर सस्पेंशन देख पाएंगे, पार्सल ट्रे। इस कार में आपको बहुत बड़ी पार्सल ट्रे ऑफर करी जाती है सामान लटकाने के लिए। केबिन लाइट जो कि हेलोजन में है, ये हैंडल दिया गया है जिससे मदद से आप इसको बंद कर पाएंगे। अंदर घुसने के लिए आपको रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है प्लस बॉडी कलर डोर हैंडल्स। दरवाजे की ओपनिंग काफी वाइड है और कंप्लीट ब्लैक इंटीरियर आप देख पाएंगे, रेड कलर्स में ग्रिप, ग्लॉसी ब्लैक फिनिश की आउटर्स, विंडो के पावर कंट्रोल्स कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, बॉटल होल्डर, अम्ब्रेला होल्डर, स्पीकर की प्लेसमेंट यहां से आप ORVM एडजस्ट कर सकते हैं, क्रोम में हैंडल। चलिए बात करते हैं इसके सीट्स की, तो आपको इसमें फ्रंट में दोनों वेंटिलेटेड सीट्स ऑफर करी जाती हैं, प्लस ड्राइवर साइड की सीट है 3 मेमोरी फंक्शंस के साथ आपको देखने को मिलेगी। इसी के साथ साथ आप ये सीट इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकेंगे। ये मैनुअल वर्जन है तो यहाँ पे आप एक्सेलेटर ब्रेक और क्लच देख सकते हैं, साथ ही साथ डेड पेडल, इंजन स्टार्ट स्टॉप स्विच, एयर वेंट्स, कुछ इस तरह से आपको रेड इंटीरियर आपको इस कार में ऑफर किया जाता है। कंप्लीट थीम रेड कर दी गई है, प्लस ग्लॉसी ब्लैक फिनिश आपको काफ़ी देखने को मिलेगा। दरवाजे पे आपको नीचे लाइट्स देखने को मिलेंगी जो कि इमरजेंसी में काम आती हैं, जैसे ही दरवाज़ा खुलेगा ये लाइट ग्लो कर जाएगी। चलिए एक बार अंदर बैठ जाते हैं। कुछ इस तरह का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, फुल्ली डिजिटल और बहुत ही बढ़िया लग रहा है। टेम्परेचर, RPM, स्पीड, फ्यूल इकोनॉमी, ड्राइव मोड्स सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहीं सामने आपको ऑटो हेडलैम्प्स, साथ ही साथ ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर्स। एक बार स्टेयरिंग देख लीजिए, फ्लैट नहीं है, राउंड स्टेयरिंग है, प्लस ग्लॉसी ब्लैक फिनिश का इसमें यूज़ किया गया है। कुछ इस तरह से स्टेयरिंग आपको इसमें देखने को मिलेगा, टाटा का लोगो। इधर सारे आपके वॉल्यूम के कंट्रोल्स, ब्लूटूथ, ऑक्स, फ़ोन रिसीव करने के लिए और कट करने के लिए, प्लस वॉइस कमांड्स देने के लिए। इधर साइड में आएंगे तो सारे क्रूज कंट्रोल्स। कुछ इस तरह का आपको इसमें मल्टीमीडिया स्क्रीन, 10.25 इंचेस की मल्टीमीडिया स्क्रीन आपको इसमें देखने को मिल जाएगी और इसका टच रिस्पॉन्स काफ़ी बढ़िया है, आप देख सकते होंगे। इसमें सारे फीचर्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे दोस्तों, एंड्रॉयड ऑटो और वायरलेस, एप्पल कारप्ले आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, 360 डिग्री कैमरा भी इसमें दिया गया है, यहाँ से आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। बेस्ट इन क्लास 360 डिग्री कैमरा आपको इसमें देखने को मिलेगा, अब तक का सबसे बढ़िया 360 डिग्री कैमरा मैंने इसी कार में देखा है। आप देख सकते हैं बंदा सामने खड़ा है, उसकी कंप्लीट बेहतरीन इमेज आपको इसमें देखने को मिलेगी, जैसा डायरेक्शन आप चाहें वैसा चेंज कर सकते हैं। एयर के वेंट्स, नीचे आपको लाइट के फंक्शंस, मोड के फंक्शंस, स्पोर्ट मोड चेंज करने के लिए, यहाँ से आप स्पोर्ट्स मोड या मोड चेंज कर सकते हैं। देखिए इको मोड, सिटी मोड, इको मोड और सिटी मोड, यहाँ से आप केवल दो मोड में स्विच कर पाएंगे, प्लस यहाँ से डालेंगे तो आपका ये स्पोर्ट्स मोड में आ जाएगा, तो स्पोर्ट्स मोड का एकदम अलग स्विच दिया हुआ है। नीचे आपके डिफॉगर और एयर सर्कुलेशन, प्लस एयर स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए बटन्स, ग्लॉसी ब्लैक फिनिश का काफ़ी यूज़ हुआ है, AC का स्विचेस ऑन ऑफ करने के लिए, प्लस टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए, एयर सर्कुलेशन सेलेक्ट करने के लिए, ऑटोमेटिक AC आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। वहीं आप नीचे देखेंगे तो एक USB का पोर्ट, साथ ही साथ वायरलेस चार्जिंग, ये आपका मोड्स दिए गए हैं जिसमें एक रफ रोड का मोड है, एक वेट मोड है, तो यहाँ से आप ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं चेंज करके दिखाता हूँ, रफ रोड प्लस वेट मोड,
तो दो मोड आपको इस तरह से देखने को मिलेंगे जो आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। हिल डिसेंट कंट्रोल प्लस 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ फ्रंट में आप काफ़ी सारा ग्लॉस ब्लैक फिनिश देख पाएंगे। आपका इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक्स के साथ ऑटो होल्ड, कप होल्डर्स, आर्मरेस्ट की बात करी जाए तो रेड कलर में आपको आर्मरेस्ट देखने को मिलेगा जो कि स्लाइड नहीं हो रहा है। स्पेस देखा जाए तो कुछ इस तरह का आपको स्पेस मिलेगा। आपका ये कूल्ड लग रहा है, प्लस 12 वोल्ट का सॉकेट और एक यूएसबी पोर्ट प्लस एक टाइप सी पोर्ट आपको इसमें दिया गया है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। यहीं आप देखें तो वैनिटी मिरर आपको ड्राइवर साइड में नहीं मिलेगा, एलईडी लाइट्स, सनरूफ ओपन और बंद करने के लिए, यहां से आप दबाएंगे तो सनरूफ उठ जाएगी, आप देख सकते हैं, वहीं यहां से दबाएंगे तो वापस बंद हो जाएगी। ये सनरूफ खोलने के लिए वन टच है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको पैनारोमिक सनरूफ दी गई है, और ये सनरूफ को बंद करने के लिए। साथ ही साथ आप इसके सनशेड को भी इलेक्ट्रॉनिकली बंद कर पाएंगे, प्लस वन टच है। यह फंक्शन आपका यहाँ से ऑपरेट होता है, आप देख सकते हैं। सनशेड इसके नॉर्मल कार्स की तरह हल्का नहीं है, काफ़ी अच्छा है और मजबूत है, धूप नहीं आएगी अंदर, तो ये यहाँ से आप ऑपरेट कर सकते हैं। माइक्रोफोन की प्लेसमेंट, सनग्लासेस होल्डर यहाँ से गायब कर दिए गए हैं। को पैसेंजर साइड में वैनिटी मिरर देखने को मिलेगा विद लाइट्स, ऑटोमेटिक IRVMs, कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आप देख सकते हैं। ग्लव बॉक्स की बात करी जाए तो आपको उसमें भी लैंप दिया हुआ है और काफ़ी स्पेस आपको इसमें ऑफर किया जाता है। स्पीकर की प्लेसमेंट, सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल है, हेडरेस्ट के साथ एडजस्टेबल, डोर्स आप एक बार देख लीजिए, तो कुछ इस तरह का आपको फ्रंट डैशबोर्ड इसमें ऑफर किया जाता है। रियर सीट की बात करी जाए तो आपको सेम ब्लैक डोर्स हैंडल्स, कोई रिक्वेस्ट सेंसर नहीं दिया गया है पीछे, डोर्स पे आप कंट्रोल देख सकते हैं, क्रोम हैंडल्स, स्पेस थोड़ा और स्पेस, थोड़ा और स्पेस, स्पीकर की प्लेसमेंट, ट्यूटर की प्लेसमेंट, JBL के पीछे से कुछ इस तरह का आपको इसमें डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। पैनारोमिक सनरूफ देख लीजिए, इतनी बड़ी खुलती है, लैंप LED में है, ग्रैब हैंडल्स विद कोट हुक हैंगर, डोर्स के कंट्रोल। सेंट्रल में देखा जाए तो आपको यहाँ पे कोई भी AC के वेंट्स नहीं देखने को मिलेंगे, प्लस एक आपको USB पोर्ट और एक टाइप सी पोर्ट ऑफर किया गया है। लेग रूम की बात करी जाए तो आपको लेग रूम काफ़ी अच्छा खासा इसमें देखने को मिल जाता है, और थाई सपोर्ट भी काफ़ी बढ़िया है। आपको AC के वेंट्स इधर दे रखे हैं बी पिलर पे। अब बीच वाले पैसेंजर्स के लिए कितना कंफर्टेबल होगा कुछ नहीं कह सकते। पीछे आपको दो हेडरेस्ट एडजस्टेबल देखने को मिल जाएंगे। कप होल्डर की प्लेसमेंट कंप्लीट रेड डार्क दे रखा है इसमें, और बहुत बढ़िया लग रहा है। पार्सल ट्रे आपको इसमें वन ऑफ द बेस्ट लार्ज साइज पार्सल ट्रे इसमें देखने को मिलेगी। हम्प की बात करी जाए तो आपको इसमें थोड़ा सा हम्प मिलेगा, एक बार पीछे से और देख लीजिए, कुछ इस तरह का आपको इंटीरियर इसमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये थी आपकी टाटा हैरियर रेड डार्क एडिशन का XZ+ मॉडल, जो कि आपको 26 लाख के लगभग आपको पड़ने वाला है। वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।